गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को क्रिएटी व किड्स पब्लिक स्कूल के परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीडर रेलवे फाटक अचानक टूट जाने के कारण यहां पर लगभग 2 घंटे जाम लगा रहा। जाम दोनों तरफ लगभग 2 किलोमीटर तक लग गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा एवं पुलिस प्रशासन ने आकर रेलवे कार्यकारिणी ने आकर के रेलवे फाटक को ठीक कराया। कैमरामैन रामजी के साथ संवाददाता ब्रजेश पटेल की रिपोर्ट, आज की आवाज़। कितने बजे से? 10:30 बजे 10:30 बजे से बंद है। अभी लगभग कितने बज गए? 11:30 तो लगभग 1 घंटे हो गया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से ये गेट बंद है। पब्लिक परेशान है। पब्लिक बहुत परेशान है जी। ये ट्रैफिक कहाँ तक लगा हुआ है यहाँ से? ये ट्रैफिक शायद बादशाहवानी इस तरफ ठहनी तक लगा हुआ है। बादशाहवानी मतलब इस तरह इस साइड 4-5 किलोमीटर तक लगा हुआ है, इस तरफ 2-3 किलोमीटर। पब्लिक बहुत परेशान है और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। टूट गया है और इस कारण से यहाँ पर जाम लगा हुआ है और हमारे पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगे हुए हैं और इन लोगों की मदद कर रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं गेट सुधारने के लिए। मैं इस संबंध में यही सब चर्चा करूँगा। सर ये कितनी देर से लगा हुआ है जाम? करीब आधे घंटे से जाम लगा हुआ है। ये रेलवे गेट टूट गया है इसके कारण। सर ये किस कारण से टूटा है? तो टेक्निकल चीज़ें हैं। अब ये देखिए रेलवे गेट टेक्निकल चीज़ें हैं बोल रहे हैं सर। सर भी लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है, इस कारण से यहाँ पर बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ से इस तरफ 3 किलोमीटर, इस तरफ भी 3 किलोमीटर। इसमें इतनी परेशानी हो रही लोगों को क्योंकि अब लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और इसी फिलहाल में अभी यहाँ पर मेला और है। बाचावानी में श्री गणेश भगवान का उत्सव रहता है और यहाँ पर मेला रहता है, उस कारण से लोगों की भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगे हुए हैं इस समस्या को सुलझाने में एवं आरपी समिति वाले भी लगे हुए हैं। कैमरामैन रामजी के साथ संवाददाता ब्रजेश पटेल, बनखेड़ी, होशंगाबाद।